मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार एंसेफलाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक नियंत्रण पा लिया गया है, या सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। एंसेफलाइटिस पर नियंत्रण पाने में समाज के हर एक तबके ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब हमें बची 5% बीमारी पर भी नियंत्रण प्राप्त कर एंसेफलाइटिस का पूर्ण उन्मूलन करना है। उन्होंने बताया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। लोक स्वास्थ्य सिर्फ उपचार का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जागरूकता, अंतर विभागीय समन्वय व टीम वर्क का बड़ा योगदान होता है। इन सब को एक साथ लेकर चलाए गए कार्यक्रम का ही परिणाम है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश दिमागी बुखार से उन्मूलन की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व तक जुलाई का महीना प्रारंभ होते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार से मौतें होने लगती थी और 4 साल में आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बेसिक शिक्षा के शिक्षकों, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से मिलकर तथा यूनिसेफ, WHO सहित अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर अंतर विभागीय समन्वय के अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी टीम वर्क का नतीजा है कि आज एंसेफलाइटिस व अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एंसेफलाइटिस या दिमागी बुखार की चपेट में जो भी 5% बच्चे शेष रह गए हैं, हमें उन्हें भी बचाना है। दिमागी बुखार होने की दशा में बच्चों को समय से उपचार नहीं मिला तो वह जीवित रहने पर भी शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। हमने ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र खोला है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। हमें बीमारी को लेकर पहले से सावधानी रखनी होगी और यदि इसके बावजूद भी बीमारी हो गई तो समय पर उपचार दिलाना होगा। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को सरकारी अस्पतालों में तत्काल विशेषज्ञों, चिकित्सकों के पास लेकर इलाज कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बीमारी हो तो वह चुनौती पूरे समाज की होती है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान हम सभी ने इसे महसूस किया है। बीमारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चे समाज और देश के बहुमूल्य धरोहर हैं। इस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने कहा कि JEAES बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 3 माह पर और वर्ष भर में 4 ऐसे अभियानों के साथ हम सभी को जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं। कोई क्षेत्र एंसेफलाइटिस से प्रभावित है तो कोई मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या कालाजार से। अपने अभियानों व सामूहिक प्रयासों से हमने धीरे धीरे इन सभी बीमारियों पर नियंत्रण पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कालाजार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में भी हम तेजी से अग्रसर हैं। फाइलेरिया नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सामूहिक प्रयासों से डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को TB मुक्त करने का संकल्प के साथ अभियान शुरू किया है। TB के मरीजों के मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि यदि कोई TB का मरीज मिले तो उसे अस्पताल ले जाने व उसके उपचार की व्यवस्था के लिए शासन व प्रशासन की मशीनरी के साथ जुड़े, ऐसे मरीजों को गोद लें। शासन इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध कराती है। यदि प्रदेश TB से मुक्त हो गया तो भारत को इससे मुक्त होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिमागी बुखार के चलते 1977 से लेकर 2017 तक 40 साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को खोया है। एंसेफलाइटिस को लेकर हमने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें जनप्रतिनिधि और जनता भी शामिल रही। इसके उन्मूलन के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई का परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि एंसेफलाइटिस उन्मूलन की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वच्छ भारत मिशन की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणा से स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए गए हैं। शहर से लेकर गांव तक
मोहल्लों से लेकर गली तक वृहद स्तर पर लोग सामूहिकता के साथ इस अभियान से जुड़े। गांव में प्रधान से लेकर सांसद तथा शहरों में पार्षद से लेकर महापौर तक सब ने अपना योगदान दिया। स्वच्छता अभियान के साथ शुद्ध जल आपूर्ति के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार के उपचार के लिए बड़े पैमाने पर एंसेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक्स आईसीयू की व्यवस्था की गई। बाल रोग विशेषज्ञ व अन्य स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सर्विलांस की गति को बढ़ाया गया। आशा बहनों के सहयोग से किसी भी बच्चे को बुखार होने पर बिना इंतजार उन्हें एंसेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचाया गया। आवश्यकता होने पर उन्हें सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज लाया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर बेड पर वेंटिलेटर और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की तैनाती के साथ हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज इन सब का सकारात्मक परिणाम एंसेफलाइटिस नियंत्रण के रूप में दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई है। यह देश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहाँ वायरोलॉजी सेंटर है। यहाँ विषाणु जनित हर बीमारी को चिन्हित करने की व्यवस्था है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आप लोग बाकी से लोग बाकी लोग खाली कर दे। हेलो, महाराज जी चेहरा इधर है, आप लोग खाली किसान को देख के रोकथाम हेतु दिशा निर्देश यानी पहला सूकर भाड़ों को मानव आबादी एवं श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी का, माननीय विधायक रामेश विपिन सिंह जी का, माननीय विधायक विपराज महेंद्र पाल सिंह जी का, सर का आने का यहाँ पर आभार। सोसाइटी अप्रोच भी लगाया और इसीलिए गांव-गांव में निगरानी समितियां गठित हुई, शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में निगरानी समितियां गठित हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसलिए यहां पर यद्यपि हम लोगों ने कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है, ज्यादातर जनपदों में भी हम लोगों ने डीडीआरसी की स्थापना की है, लेकिन यह समाधान नहीं है। समय पे बच्चे को उपचार मिलना, पहले तो सावधानी हम इस बात की रखें सफाई के माध्यम से, शुद्ध पेयजल के माध्यम से, जानकारी देकर के उपचार शुरू करना। समय पे उपचार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से हंसता खेलता आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट कर ली तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो,
इन 5% बच्चों को भी पूरी तरह दिमागी बुखार जानकारी दे करके वैक्सीनेशन जब चलता है उस समय वैक्सीन देने की व्यवस्था, ये तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जो चलते हैं, इन सभी के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम करके पहले तो बीमारी से बचाओ। अगर आई गई बीमारी तो बीमारी आते ही बिना किसी लापरवाही के तत्काल उपचार शुरू करना। उपचार झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के और बिना किसी हीला इसको रोक दे। देखिए आज प्रातः 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संचारी रोग और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया और शुभारंभ जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभागार से किया गया, जहां पर करीब 400 गोरखपुर की सम्मानित जनसंख्या उसका गवाह बनी। इसके साथ साथ सांसद रवि किशन जी, माननीय राज्यसभा सदस्य हमारे राधा मोहन अग्रवाल जी, विधायक पिपराइच, विधायक सहजन्मा, विधायक ग्रामीण, इसके अलावा जो है हमारे मेयर, ये लोगों ने मंच की शोभा बढ़ाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संचारी रोग महाअभियान को कैसे 2018 से लेकर के आज इस मुकाम पर ले आए कि जहां 2018 में JEES के मरीजों की संख्या हजारों में होती थी और मृतकों की संख्या सैकड़ों में होती थी, और उन्हीं का कुशल निर्देशन आज हम लोगों को इस मुकाम पर लाके पहुंचाया है कि आज की तारीख में हमारे पास JEES के केसेस की संख्या केवल 5 है और अभी इस वर्ष किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक कुशल निर्देशन का ही परिणाम है। और जहाँ तक बात करें कि संचारी रोग माह और दस्तक अभियान की बात होती है, इसमें एक माह ये चलने वाला कार्यक्रम होता है जिसमें 11 विभाग मिलकर के काम करते हैं। इसमें प्रमुखता जो होते हैं नगर निगम होता है, पंचायती राज होता है, शिक्षा विभाग होता है, कृषि विभाग होता है, जल निगम होता है और हमारा एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, बेसिक शिक्षा होता है, सब लोग मिल करके और सबका एक मूल सिद्धांत होता है कि हम स्वास्थ्य स्वच्छता का संदेश दें, क्योंकि हम जैसे जितने जितने स्वच्छ होते जाएंगे उतने उतने स्वस्थ होते जाएंगे। इसके अलावा हमारी दस्तक अभियान जो होता है 15 दिन का होता है, जैसे इस बार 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारी आशा और आंगनबाड़ी घर घर जाकर के दस्तक देंगी और वहाँ पर वो बुखार के मरीज, ILI सारी के मरीज, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज, मेल न्यूट्रिशन के मरीज, और इसके साथ साथ उनके घरों का भी निरीक्षण करेंगे कि उनके घरों में मच्छर पनपने की कोई जगह तो नहीं बनी हुई है। अगर कोई बुखार का मरीज मिलता है तो उन मरीजों को वो अपनी ANM को सूचना देती हैं, ANM उनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराती है और उनको दवाओं का किट दे देती है। मच्छर अगर ज़्यादा पनप रहे हैं तो उनका सोर्स रिडक्शन करने की उसकी विधि उनको समझाई जाती है कि प्रत्येक सप्ताह जो है कूलर का पानी बदल दें, अगर कहीं पानी एकत्र हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। इसके अलावा पूरी बांह के कपड़े पहनिए, घर में कहीं पर भी पानी एकत्र नहीं होना चाहिए, नालियों की साफ सफाई रखिए और अगर स्वच्छ जल नहीं है तो उसको जो है ब्लीचिंग पाउडर या हमारा क्लोरीन टैबलेट डाल के कैसे उसका किया जाएगा, इस सब की चीज़ों के संदेश देती हैं। कुल मिलाकर के ये है कि संचारी रोग पखवाड़ा जो है ये स्वच्छता रोग पखवाड़ा होता है, स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूकता दी जाती है और अगर ये सब किया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सब लोग जो है खाना खाने से पूर्व अपने हाथ को धोएं, खाना खाने के पश्चात अच्छी तरह से करें, बाहर से आने के बाद हाथ मुंह धोएं, मच्छरों से बचने का पूरा उपाय करें,
एक जो है कचरा हो कचरेदानी में, सोए मच्छरदानी में, घर में कहीं पर भी अनावश्यक रूप से जल नहीं एकत्र होना चाहिए, और अपने छोटे छोटे बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनाएं, और जो उनके शरीर के खुले भाग हैं उस पर मच्छर रोधी क्रीम लगा करके ही स्कूल भेजें।